मैं इस वक्त दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हूँ। ये इलाका वही क्षेत्र है जहाँ कल भीड़ अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी और बाद में हिंसक हो गई। हालांकि आज बाज़ार पूरी तरह से गुलजार है, दुकानें यहाँ पर खुली, आप देख सकते हैं कि लोग अपना रोज़ाना की तरह काम कर रहे हैं। और कुछ मार्केट के लोग हमारे साथ हैं, अमन कमेटी के लोग भी हमारे साथ बातचीत करेंगे। अब बताएं हुसैन साहब, कल जो वाक़या हुआ था उसके बाद अब किस तरह के हालात है बाज़ार में? कल जो वाक़या हुआ था वो कल की अंधेरी रात थी, आज का नया सुबह फिर से हुआ है और सारी हमारी मार्केट खुली है। कल कुछ लोग अपनी मांगों को लेके उन्होंने कुछ प्रदर्शन किए। उस प्रदर्शन में कुछ लोग कहीं से आ गए, पता नहीं है कि कौन लोग थे। इतना पत्थर तो रोड पे पड़ा ही नहीं है जितना पत्थर प्रदर्शन के बाद हुआ वहाँ पे, रोडों पे पड़ा हुआ पत्थर। तो इसका मकसद कोई आदमी प्लानिंग से आया, अपने हाथ में पत्थर लेके आया और पुलिस को पथराव किया पुलिस पे। वो कौन लोग थे हमको तो पता नहीं, लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन आज से नहीं 5-6 दिन से कर रहे हैं, जिसमें DCP साहब पैदल साथ में, ACP साहब, हमारे SHO साहब इलाके के सीलमपुर के और जाफराबाद के वेलकम के, सब मेरे साथ पैदल घूम रहे थे। शांतिपूर्वक प्रोग्राम चल रहा था। कल न जाने कौन लोग थे जिसमें उन लोग अपने हाथों में पत्थर लेके आए थे, जिसमें बच्चों की गाड़ी पे जो स्कूल के बच्चे थे उन पर पथराव कर दिया, जिसको पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज करी और उस पर माहौल गर्मा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जमाल है। जमाल साहब क्या कहेंगे, दुकानें आप लोगों ने आज खोल ली है, कल के बाद जैसे हंगामा यहाँ पे और दुकानें बंद करा दी गई थी, कल में और अब में कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? कल में और अब में देखें आप तो 101% का डिफरेंट है। लोग यहाँ बहुत अच्छे से अपनी दुकानें खोलने के लिए आए हैं, क्योंकि लड़ाई और झगड़े से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। अगर हमारी कोई मांग है और किसी चीज़ के हम खिलाफ़ है तो हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर कुछ गलत तत्व आ जाते हैं जो कि गड़बड़ मचाते हैं, जिसमें पुलिस और पब्लिक दोनों परेशान होती है। यहाँ का माहौल बहुत शांतिपूर्वक था, हमारे प्रधान जी हमारे साथ में हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को कोऑपरेट किया, बहुत प्यार से समझाया। लेकिन आज दुकानें जो आप देख रहे हैं खुल रही हैं, यानी कि इसका मतलब निकाला जा सकता है कि यहाँ की पब्लिक कभी झगड़ा चाहती नहीं है। अगर झगड़ा चाहती तो आज भी दुकान न खुलती, लेकिन लोग यहाँ दुकानें बड़ी शांति से खोलना है और प्रधान जी के संरक्षण में ही दुकानें खोली जा रही हैं। आपको लगता है कि ग्राहक कम रहेगा क्योंकि लोगों के मन में थोड़ा भय भी रहता है? हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली ग्राहक कम रहेगा, थोड़ा भय होगा, लेकिन आहिस्ता हर चीज़ अपनी पटरी पर आ जाती है। तो जब लोगों को पता चलना शुरू होगा कि भाई मार्केटिंग खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट को। अच्छा, आप लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही लाजवाब है। हमें पुलिस तक भी जाना नहीं पड़ता। हमारी जो मार्केट डिवीजन के इश्तियाक हुसैन साहब हैं, यहाँ से हमें खबर आ जाती है भाई आप लोग अपना ध्यान से बैठो, कुछ तत्व गड़बड़ करने के मूड में, तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को कोऑपरेट करते हैं। और प्रधान जी और यहाँ की पुलिस बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है, सब लोग हम एक साथ मिलजुल के ही काम करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चीज़ें वायरल होती है, छोटी सच्ची, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, सोशल मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ भी दिखाने के लिए अच्छा आपने काट दिया, बुरा आपने दिखा दिया, लेकिन अगर आप दोनों पहलू दिखाएं तो तब समझ में आता है पब्लिक क्या चाहती है। दुकानें जरूर खुल गई है, लेकिन क्या मन में किसी तरह का कोई डर है? क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद कभी नहीं थी कि ऐसा कभी कुछ यहाँ पर होगा। नहीं, डर यहाँ पर कोई किसी टाइप का डर नहीं है। कल हमारे पास में जेब इलाक से कुछ हमारे अमन कमेटी के हिंदू लोग थे, उनके फ़ोन आए कि प्रधान जी क्या बात है। तो मैंने कहा कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग शांति से रहिए, कभी कोई बात हो जाए तो मुझे फ़ोन करिए, मैं तुरंत आपके पास पहुंचूंगा। और यहाँ के हमारे SHO ACP भी और DCP भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम। आप लोग बताइए, आप युवा हैं, इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, कल जिस तरह का माहौल था और उसके बाद आज जिस तरह का माहौल है, कितना फ़र्क आप लोग देख रहे हैं? फ़र्क तो सर कुछ भी नहीं है अभी इसमें इतना, अभी तो जो चल रहा है बाकी देखो आगे जो भी हो कि तो कर ही रहे हैं भाई। कल यहाँ क्या कुछ हुआ था? कल यहाँ पर यही हुआ था, झगड़ा हुआ था, यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, सब शांति से चल रहा था, सब कुछ नहीं। कुछ लोग आए जैसे कि प्रधान जी ने बताया, कुछ लोग आए, पथराव हुआ, यहाँ से भी हुआ, उधर से भी हुआ, फिर लाठी चार्ज हुई पुलिस की तरफ से भी हुआ और यहाँ पब्लिक की तरफ से भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ, मामला गर्म हो गया, दोनों तरफा से ही हुआ है मसला जी। प्रधान साहब आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि जो अफवाहों पे लोग ध्यान ना दें और खुद अपना दिमाग लगाएं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जो जितनी होता है तिनका और कह देते हैं बस। तो इसमें अफवाहों पे हमारी जनता जो है, जो सीलमपुर की जो लोग हैं, सबसे पूरी दिल्ली के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान ना दें।
जो सामने हो उसको देखें, क्योंकि 90% अफवाहें होती हैं, 10% हकीकत होती है, तो अफवाहों पे कोई भी ध्यान ना दे। देखिए सीलमपुर में एक नई सुबह है और कल जिस तरह से वाकया यहाँ पे हुआ, कभी भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसको लेकर लोग भी सजग हैं। और जो सीलमपुर के दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खोली और काफ़ी उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीलमपुर के अंदर अभी भी पुलिसिया पहरा बेहद कड़ा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस है वो भी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि आप ना तो अफवाह फैलाएं और ना ही किसी भी अफवाह का हिस्सा बने, क्योंकि ना सिर्फ सीलमपुर बल्कि अगर दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में भी इस तरह का वाक़या सामने आता है तो इसका सीधा नुकसान आपको और हमको होता है, और ऐसे में ना अफवाहों पर ध्यान दें और ना ही अफवाह का हिस्सा बने। देखना यही है कि सीलमपुर में जो शांति है वो आगे कब तक कायम रहती है और किस तरह से लोग अपनी जो ज़िंदगी है उसको पटरी पर लेकर आते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।